का जो हम पहला लेसन आपका कराएंगे यानी थर्ड लेसन में जो आपका जो पहला थर्ड लेसन है वह हम पहले स्टार्ट करेंगे द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से आपके डाइवर्ट हैं, जो किस तरीके से उनमें वेरिएशन पाई जाती है उसको अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपका बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो आपका जो पहला जो टर्म जो यूज़ किया था वो किसने किया था, वाल्टेयर जी रोसेन ने किया था 1986 में। ठीक है, इन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन्होंने जो वर्ड दिया था इसके अंतर्गत द वेरिएशन एमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू देयर मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी रूप से यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस साइज एंड कलर, किस तरीके का है, कौन कितने बड़े एनिमल हैं, कौन कितने छोटे एनिमल्स हैं, किस तरीके का कलर है, तो उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने उसको डाइवर्स किया, अलग अलग डिवाइड किया, वेरिएशन देखिए उसमें। इसके बाद और भी चीज़ें हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, जेनेटिक करेक्टर्स के हिसाब से, फीडिंग हैबिट यानी किस तरीके से वो अपना फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं, और हैबिटेट एंड बिहेवियर इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो किस तरीके से उनमें परिवर्तन है, उनमें मॉर्फोलॉजिकल क्या परिवर्तन है, वेरिएशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन है यानी आंतरिक तरीके से क्या परिवर्तन है, उनमें जनने के क्या अंतर है, वो फूड मटेरियल किस तरीके से ग्रहण करते हैं, हैबिटेट हैं, किस जगह पे रहते हैं, जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, यानी वाटर में, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं या फिर टेरिस्ट्रियल हैं। ठीक है, तो उनके जो बिहेवियर उन्होंने जो देखा तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, बायोडाइवर्सिटी, जीवों में जो विविधताएँ हैं, हिंदी में से बोलते हैं जीवों में विविधताएँ। एनिमल्स की विविधता के बारे में पता चला, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चला, तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसको डिवाइड किया। तो इन्होंने जो ट्रीज को, जो प्लांट्स को डिवाइड किया उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने सर्व दिए, हर्ब एंड, ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को कितने पार्ट्स में बांटा, ट्रीज, सर्व्स एंड हर्ब, एंड एनिमल्स को इन्होंने दो पार्ट में बांटा, एक को नाम दिया एनेमिया, एक को नाम दिया एनेमिया। एनेमिया जो थे ऐसे थे जिनमें आरबीसी नहीं थी, विदाउट आरबीसी थे, और एनेमिया जो थे वो ऐसे थे जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी। तो इन्होंने जो एनिमल्स को बांटा दो पार्ट में बांटा और प्लांट्स को थ्री पार्ट में बांटा। इसके बाद लीनियस आते हैं, इन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने फर्स्ट में रखे प्लांटे और सेकेंड में रखा एनिमेलिया। एनिमेलिया में इन्होंने एनिमल किंगडम को रखा और प्लांटे में इन्होंने प्लांट किंगडम को रखा। इनका जो बेसिक पॉइंट इन्होंने लिया था वो दिया था इन्होंने न्यूट्रिशन के हिसाब से, इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और इनमें हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स अपन जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं एनिमल्स हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये अपने जो फूड मटेरियल के लिए हैं किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड मटेरियल है वो सिंथेसिस कर लेते हैं सेल्फ में देम सेल्फ। सो इसलिए उन्होंने इसको प्लांटे और एनिमेलिया में बांटा। प्लांटे में किसको लिया, प्लांट्स को, और एनिमेलिया में किसको लिया, सभी एनिमल्स को लिया। इन्होंने जो करेक्टर्स डिफाइंड किए वो इस तरीके से किए कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं है, लाइसोसोम एब्सेंट है और एनिमल में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट है एनिमल में एब्सेंट है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल कैसे होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट होता है एनिमल्स में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, कंट्रैक्टाइल सिस्टम प्लांटे में एब्सेंट है एनिमल में प्रेजेंट है। सुटेबल एग्जांपल इसमें इन्होंने एल्गा, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और इन्होंने इसमें रखा प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। कि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिखने के लिए इसमें क्या है, जो कैवलस लीनियस थी इन्होंने प्लांट्स को नाम देने के लिए एक टैक्सोनॉमी दी है ना, जैसे इन्होंने नाम दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या दिया, जो एनिमल्स होते हैं ऑल एनिमल्स को उन्होंने टू नेम्स दिए। जो फर्स्ट नाम था उस जो इन्होंने जो प्रत्येक एनिमल्स हैं टू पार्ट्स में बांटा, जो फर्स्ट नेम था उसको इन्होंने और जितने भी जो नेम थे उन्होंने उसको लेटिन भाषा में दिया,
तो जो फर्स्ट नेम था वो जीनस होता है, और जो एनिमल्स का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, स्पीसीज होता है। जैसे अपन ने पढ़ा होगा होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आल्सो कॉल्ड द, इन्हें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। इज अ फॉर्म्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग द स्पीसीज, ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा एनिमल्स को अपन नेम देते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, बाय गिविंग ईच और नेम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, जो जिसका भी नाम होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, दो पार्ट दिए जाते हैं, पहला पार्ट होता है जीनस और दूसरा पार्ट होता है स्पीसीज। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जीनस, और सेकेंड पार्ट क्या है, स्पीसीज, इसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अगर अपन हाथ से लिखते हैं तो इनके जो नाम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लैटिन वर्ड जो होते हैं वो थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं। इसके बाद आपका सेकंड जो है, इसके बाद जो कैवलस लिनियस है, इन्होंने ही प्रपोज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो सम इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, उन बुक्स के जो नाम है, जो नाम दिए गए हैं, हॉर्टस अपलैंडिकस, सिस्टम नेचर, जेनरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। इनमें से आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टेमा नेचर। ठीक है, ये आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया, आर एच व्हाइटेकर ने दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाई द आर एच व्हाइटेकर। इन्होंने जो पूरी जो एनिमल्स हैं उनको पांच मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। वो जो मेन पार्ट्स हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इन्होंने जो करेक्टर्स लिए, किस करेक्टर्स की वजह से इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया पांच पार्ट्स में, पांच किंगडम में, जो पांच मेन किंगडम थे उसमें इन्होंने पहले उनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, किस तरीके का सेल स्ट्रक्चर है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो इन्होंने इस तरीके से देखा प्रोकैरियोटिक एनिमल्स और यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है, सेकंड उन्होंने देखा बॉडी ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी में ऑर्गन्स हैं या नहीं है, किस तरीके के हैं, तो वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। तो जिनमें ऑर्गन पाए जाएंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, जिनके अंदर ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, उनमें ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटरोट्रॉफिक हैं या सैप्रोफिटिक हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना फूड मटेरियल सेल्फ बना लेते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड बॉडीज पर अपना, डेड बॉडीज से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो प्लांट से या अदर एनिमल से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। लाइफ स्टाइल कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इस तरीके से। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनका आपस में क्या तरीके से रिलेशनशिप है। तो इन्होंने पाँच पार्ट बांटे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया कि जो क्या है, ऑल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा विथ प्रोकैरियोटिक नेचर वेयर ट्रांसफर्ड इन किंगडम ऑफ मोनेरा। ठीक है, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गा थे, बैक्टीरिया थे, और कैसे थे, प्रोकैरियोटिक नेचर के थे। किस नेचर के थे, प्रोकैरियोटिक नेचर के थे। तो उन्होंने इसको किस में रख दिया, मोनेरा में रखा। दूसरा जो उनका है प्रोटिस्टा, उसमें इन्होंने कैसे एनिमल रखे, जो यूनिसेलुलर हैं, कैसे हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स लाइक एल्गा और प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स हों जैसे एल्गा होते हैं और प्रोटोजोन्स इन्होंने इसमें रखे। किस में रखे, इन्होंने प्रोटिस्टा में रखे। इसके बाद इनका तीसरा आता है, तीसरे में ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, जो भी यूकैरियोटिक हैं मल्टीसेलुलर हैं और कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और इन्होंने किस में रखा, प्लांटे में रखा। ठीक है, मेटाफाइटा है, प्लांट किंगडम है, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आपका जो फोर्थ आता है वो है मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक हैं, कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉपिक एंड डीकम्पोजर। क्या चीज़ अंतर है इसमें, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉफिक एंड डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म आर स्पेयर्ड इन किंगडम, इनको फंजाई में रखा है। इसके बाद द मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और हेटरोट्रॉफिक, वहाँ पे क्या था डीकम्पोजर, यहाँ पे क्या हेटरोट्रॉफिक,
एंड कंज्यूम वी आर प्लेस्ड इन द किंगडम इन एनिमेलिया। ठीक है, इस चीज को आप चार्ट में भी देख सकते हैं। इसके बाद है हायरार्की और क्लासिफिकेशन ग्रुप। हायरार्की माने क्लासिफिकेशन जो ग्रुप का जो पदानुक्रम है, यानी जो क्रम है, ठीक है, उसको कहते हैं। इसमें इन्होंने जो रखे हैं वो क्या रखा है, सबसे पहले आप देख रहे हैं किंगडम है, किंगडम के बाद उनका फाइलम रखा गया है या डिवीज़न रखा गया है एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीसीज है। स्पीसीज इसके बाद देख लीजिए आप, सबसे पहले आपका जो नीचे आता है वो स्पीसीज है। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ये क्या है, टैक्सोनॉमी की सबसे बेसिक यूनिट है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। तो इसमें कौन होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ग्रुप होता है जो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे अपन के जो लॉयन है, पैंथर है, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका है, ये किसका होता है, मैंगो का होता है। इसके बाद आपका है सेकंड जो है वो जीनस है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। तो जो स्पीसीज के जो ग्रुप होंगे, खूब सारी जो स्पीसीज होंगी उनका जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, जीनस कहलाएगा। हैविंग लेस कॉमन करेक्टर, इनके क्या होते हैं, कुछ कॉमन करेक्टर होते हैं। कंपेयर्ड आर स्पीसीज, आपस में स्पीसीज में कंपेयर करने पर जो उन्हें कॉमन करेक्टर होते हैं उन सबको किस में डाल देते हैं, जीनस में डाल देते हैं। जीनस माई हैव अ सिंगल और सेवरल स्पीसीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको होमो सेपियंस फॉर ह्यूमन में इसमें क्या है, जीनस होमो है, हैज सिंगल स्पीसीज, ठीक है, सेपियंस इसमें है। और सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम मेलोजिना फॉर फोटो पोटैटो एंड ब्रेंजल रिस्पेक्टिवली। तो ये किसके लिए हैं, पोटैटो के लिए और ब्रेंजल के लिए हैं। जीनस सोलेनम हैज मोर देन वन स्पीसीज, इसमें कितनी स्पीसीज हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज हैं। इसके बाद आपका जो सेकेंड इसका थर्ड आता है फैमिली। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग मोर सिमिलर टू ईच अदर। ऐसे जेनेरा इसमें लेते हैं जो एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उनको किस में रखते हैं, फैमिली में। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू अ फैमिली सोलेनेसिया। ठीक है, तो जो पोटैटो हैं और जो ब्रिंजल हैं यानी आलू हैं और जो बैगन है वो किस में रखे गए हैं, सोलेनेसिया में रखे गए हैं। फिर इसके बाद क्या है, ऑर्डर आते हैं। इट इज़ अ असेंबली ऑफ फैमिली रिसेम्बलिंग एंड अनदर इन अ फ्यू करेक्टर्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो फैमिली हैं, दो या दो से अधिक जो फैमिली हैं उनमें जो करेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं उनको किस में रख देते हैं, ऑर्डर में। इसके बाद आता है क्लास, जैसे कि यहाँ पे क्लास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर। इसमें क्या रखते हैं, एक जो अभी तक हम आपका ऑर्डर तक बता चुके हैं, इसके बाद क्लास है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर एन ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियस बिलोंग टू अ क्लास। ठीक है, डाइकोटिलेडेंस वेयर ट्राइटिकम एस्टिवेटम इन इट पुट इन द क्लास ऑफ मोनोकोटिलेडेंस। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइलम है या डिवीजन है। इट इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट क्लास। ठीक है, जो विभिन्न विभिन्न क्लास के जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो किस में इंक्लूड कर देते हैं, अपन फाइलम में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मोनोकोटिलेडेंस एंड डाइकोटिलेडेंस बिलोंग टू अ डिवीज़न ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, किस में आते हैं जी, स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। होमो सेपियंस बिलोंग टू द क्लास मेमेलिया। मनुष्य किस में आ जाता है, मेमेलिया में। जितने भी मेमल्स हैं जो दूध पिलाते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, होमो सेपियंस के वो मेमल्स में आ जाते हैं, जो भी दूध पिलाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, सब किस में आ जाते हैं, मेमेलिया में आ जाते हैं। ठीक है, और फाइलम कॉर्डेटा में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो किस में है, क्लास मेमेलिया में हो, जितनी भी जो मेमेलिया की जो क्लासें हैं वो किस में आ जाती हैं, कॉर्डेटा में आ जाती हैं, यानी फाइलम यानी कॉर्डेटा में आ जाती हैं। इसके बाद क्या आता है, किंगडम। सिमिलर फाइला और डिवीज़न आर प्लेस्ड इन अ किंगडम। जो जो फाइलम होते हैं, जो डिवीज़न होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, किंगडम में आ जाते हैं, अगर आपस में क्या हो, सिमिलर हो। इट इज़ द हाइएस्ट ग्रुप ऑफ द टैक्सोनॉमी। किंगडम कौन से हैं, दो हैं, प्लांट किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। ठीक है।